गुजरात विधानसभा चुनाव में अपनी जीत को सुनिश्चित करने के लिए सभी पार्टियां एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं। 1 दिसंबर को गुजरात विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान होना है। उससे पहले हर पार्टी का प्रत्याशी जनता तक अपनी बात पहुंचाने के लिए जमकर चुनाव प्रचार करता दिख रहा है। मतदाता तक अपनी पहुंच बनाने के लिए ये प्रत्याशी चुनाव प्रचार में तरह तरह के तरीके भी अपना रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास कोहिनूर है, वो नरेंद्र मोदी है, और गुजरात में जो विकास का जो रोल मॉडल बनाया नरेंद्र भाई ने, उस रोल मॉडल को लेकर यहाँ के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल को चल रहे हैं, उनकी टीम में काम कर रहा हूँ। और 27 साल का जो भारतीय जनता पार्टी ने सुशासन दिया है, विकास किया है, भय मुक्त गुजरात बनाया है और सभी लोगों को सरकारी योजनाओं का अंतिम तक सभी को फायदा पहुंचाया है, इसीलिए भारतीय जनता की तरफेण में इस बार भी लोग वोट करेंगे और भारी प्रचंड बहुमति से हमें जिताएंगे। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के एक उम्मीदवार ने चुनाव प्रचार का अनोखा तरीका निकाला है। वह घर घर जाकर गरबा कर लोगों से वोट देने की अपील कर रहे हैं। सूरत कतारगाम विधानसभा के भाजपा उम्मीदवार विनोद मुरडिया भाजपा पार्टी वर्कर्स के साथ प्रचार के लिए क्षेत्र में निकलते हैं और लोगों के साथ गरबा खेलने लगते हैं। हम जाते हैं कहीं भी, डोर टू डोर हम निकलते हैं अभी, और सुबह से शाम तक लोग अलग अलग तरीके से हमारा सम्मान करते हैं। कोई रंगोली बनाते हैं, कोई कमल का रंगोली बनाता है, कोई गरबा खेलते हैं, हमें भी साथ में लेकर चलते हैं, तो कोई पटाखे फोड़ते हैं। अलग अलग तरीके से लोगों का उत्साह जो है, हमें प्रेम जो मिल रहा है, वो इन्हीं बच्चे से लेकर युवान और भाई बहनों और माताएं सभी का आशीर्वाद मुझे मिलता है। अपनी अपनी अपना जो तरीका होता है, उस तरीके से हमें इस जनता का आशीर्वाद मिल रहा है। कतारगाम में हमने विकास का इतना काम किया है बीजेपी ने, तो कोई जरूरत दूसरी पार्टी की कोई जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे सब जगह पे बीजेपी बीजेपी ही चल रहा है, पूरा माहौल बीजेपी का ही है। सब जगह पे जहाँ भी जा रहा है वहाँ पे लोगों का इतना प्रतिसाद मिल रहा है कि अभी हमको जीत की खुशी है कि अभी हम जीत गए, इतनी खुशी हम मना रहे हैं।